नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। दोस्तों, आज फिर बात करते हैं एक ऐसी चीज वस्तु, घर की बहुत जरूरी वस्तु, दर्पण, मिरर, आईना। हमारा काफी समय अपने आप को निहारने में गुजरता है और इसी दर्पण के कारण हम अपने आप को जान पाते हैं, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। देखना बहुत जरूरी होता है, कोई इसमें बुराई नहीं है। काफी समय तक आप जब दर्पण को, आईने को अपने स्वरूप में निहारते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका आकर्षण है, वो आपके शरीर में आता है। इसलिए आईने की अगर गलत दिशा है तो आपको काफी परेशानी आ सकती है, ये मैं पहले बता रहा हूं। बहुत देर तक, क्योंकि आईने में आप जब देख रहे हैं तो वो आपके अक्ष को रिफ्लेक्ट करके आपके अंदर वो चीज डाल रहा है, और जिस दिशा में वो आईना लगा है उस दिशा की नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। वो मैं कुछ दिशाएं बता रहा हूं, आपको देख लीजिएगा और उन दिशाओं से इस आईने को कभी भी हटा दीजिए, मत रखिएगा। पहली दिशा दक्षिण की दिशा, मंगलदेव की दिशा होती है, यम की दिशा मानते हैं, उग्र दिशा मानते हैं, अग्रेसिव दिशा मानते हैं। इस तरफ अगर हम लगाते हैं मिरर और देखते हैं लगातार अपने आप को उसी दिशा में निहारते हैं तो क्रोध बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे, बीमारी बढ़ेगी। क्रोध वैसे ही हर बीमारी की जड़ है, तो इसलिए इस दिशा में तो कभी मत लगाइए। दूसरी दिशा में और प्रॉब्लम बता रहा हूं, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की दिशा में भी ये दर्पण उत्तम नहीं माना जाता, क्योंकि ये भी अग्नि तत्व की दिशा है, आग्नेय कोण बोलते हैं। अगर यहां हमने लगा दिया तो हमारे अंदर एनर्जी अग्नि के रूप में निकलेगी, मुंह से खराब शब्द निकलेंगे, किसी के साथ भी जब वार्तालाप करेंगे तो वह अग्रेसिव वे में होगा, दूसरे की बात को समझाने के लिए हम गुस्से का सहारा लेंगे, वैचारिक मतभेद होंगे और मन भेद बढ़ जाएंगे, यानी झगड़े बढ़ेंगे, आपस में भी, मित्रों में भी परेशानी बढ़ेगी। दूसरी एक और दिशा होती है पश्चिम की दिशा, शनि की दिशा बोलते हैं। यहां पे अगर हमने आईना लगा दिया और निहार रहे हैं अपने आप को, स्थायी दिशा है, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर आलस्य बढ़ जाएगा, आगे कोई काम करने की हमारी चेष्टा, इच्छा खत्म हो जाएगी। एक और दिशा है दक्षिण पश्चिम की दिशा, मुखिया का कमरा इस दिशा में होना चाहिए, यह सबसे जरूरी बातें बताता हूं। अब यहां आपने लगा दिया तो क्या होगा, उस मुखिया को जब उस कमरे में वो देखेगा, उसकी पूर्व की दिशा में लगाएं तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं और लगा दिया, उस कोने में लगा दिया, तो उस दिशा का जो स्वामी है, जो मुखिया है, वो अपने आप को जब निहारेगा, तैयार होकर बाहर निकलेगा, तो वह सिर्फ घूमता रहेगा बाहर के कामों में, उसका समय व्यर्थ होगा, व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे, व्यर्थ की व्यथा बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कहां लगाएं, तो बता देते हैं आपको, पूर्व की दिशा, उत्तर की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा सबसे उत्तम दिशाएं होती है, बेडरूम में मत लगाइएगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो आप देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स का निवेदन मैं भी करूंगा, कुछ जानने की इच्छा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, जरूर भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमो नारायण।